ग्वालियर में युवकों को नकली किन्नर बनकर नेक मांगना भारी पड़ गया है। असली किन्नरों ने युवक का पर्दाफाश करते हुए उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब उन्होंने भविष्य में बधाई देने से भी तौबा कर ली है। ये नकली किन्नर पिछले कई सालों से नेक मांगकर असली किन्नरों के पेट पर लात मार रहे थे, लेकिन आखिरकार रविवार उनका राज सबके सामने आ ही गया। ग्वालियर में असली किन्नरों ने जाल बिछाकर चार ऐसे नकली किन्नरों को पकड़ा है जो उनके नाम से लोगों के शुभ कार्य में पहुंचकर हजारों रुपए की बधाई ले जाते थे। जब असली किन्नर वहां पहुंचते तब उन्हें नकली किन्नरों की करतूत का पता चलता था। नकली किन्नरों की इसी करतूत से परेशान असली किन्नरों ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी और फिर जाल बिछाकर शहर से चार नकली किन्नरों को अपने अड्डे पर बुलवाया और उन्हें जमकर खरी घोटी सुनाई। कलाई खुलते ही नकली किन्नरों ने माफी मांगी और भविष्य में किन्नर बनकर बधाई लेने से तौबा की। किन्नरों के देश में बधाई मांगते हैं हम लोग, किन्नरों के देश में बधाई मांगते हैं। सब बोलो सब। हम लोग किन्नर नहीं है, किन्नरों के देश में बधाई मांगते हैं। असली किन्नर जी रहे, इनसे हम माफी मांगते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो आप ऐसा करते क्यों? इनका नाम बदनाम होता है। तो हम गलती मांगते हैं, आज के बाद ऐसा। कितने लोग हैं आपके संग में? और ये मेरे संग जी है, और भी तो है। नहीं नहीं, और नहीं। दरअसल इन दिनों शहर में नकली किन्नरों की बाढ़ आई हुई है। पहले यह नकली किन्नर यात्री ट्रेनों में चलकर लोगों को परेशान करते थे और उनसे जबरन अवैध वसूली करते थे। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान इन किन्नरों ने शहर को ही अपना मुख्य ठिकाना बनाया है और अलग अलग गली मोहल्ले में जाकर असली किन्नर बनकर लोगों के शुभ कार्य में वसूली करने पहुंचते हैं। जब असली किन्नर बधाई लेने जाते तो उन्हें इन नकली किन्नरों की करतूत का पता चलता था। लड़कियों और महिलाओं की वेशभूषा बनाकर नकली किन्नर, जो वास्तव में लड़के होते हैं, लोगों के बीच पहुंचते थे और मुंह मांगी रकम नहीं मिलने पर अभद्रता पर भी उतर आते थे। असली किन्नरों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें ही धमकाने से नहीं चूकते थे। खास बात यह है कि असली नकली के चक्कर में इंदरगंज और उपनगर ग्वालियर इलाके में दो बार बड़े झगड़े हो चुके हैं, लेकिन नकली किन्नर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए किन्नरों ने शहर के अलग अलग इलाकों से इन लड़कों को जाल में फंसाकर अपने इलाके शब्द प्रताप आश्रम पर बुलवाया और सबके सामने उनकी असलियत उजागर की। मैं नेहा किन्नर बात कर रही हूँ, टोली मुरार से। क्या 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 हुआ आज? ये नकली किन्नर है, परेशान करके रखा है हम लोगों को। बस्तियां मांगने आते हैं और गुंडों को लेके आते हैं, धमकियां देते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, बधाइयां ले जाते हैं और मारने की धमकियां देते हैं। हमारे चेले नातियों को परेशान करके रखा है इन लोगों ने, को उनको मारने की गुंडा लेके जाते बस्तियों में, हम लोग को परेशान करके रख दिया। हमने प्यार से भी समझाया, प्यार से समझाया, बात करी, चीत करी, बिल्कुल नहीं मानते। फ़ोन करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम लोगों को धमकियां देते हैं और असली किन्नरों को परेशान करके रखा है। और इस बने पे इनको हम आज पकड़ के लाए हैं, जिनने बिल्कुल परेशान करके रख दिया। गुंडा लेके आते हैं और जजमान के घर में नंगा नाच करते हैं और ऊधम मचाते हैं और बहु बेटियों के नकली किन्नर है, बहु बेटियों पे हाथ भी डाल देते हैं और हम लोग बदनाम होते हैं। और हम लोग बदनाम होते हैं। कितने पैसे लेते हैं? खूब लेते हैं, 25-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। जी लोग ये लड़के हैं, नकली किन्नर है और भेष बना के मांगने जाते हैं, अय्याशी करते जो सेक्स करते हैं, गंदे काम करते हैं, होटलों में जाते हैं, हम लोगों को बदनाम करते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, हम असली किन्नर बदनाम होते हैं। हम मीडिया कितने पकड़े हैं आपने? पांच पकड़े हमने, कुछ चले गए लोग, और चले गए 10-12 लोग हैं। आज आपने कैसे पकड़ा इनको? आज भाने से पकड़ा हमने, झूठ बोल के। हम लोग गए झूठ बोल के, जो लोग उल्टे सीधे काम कर रहे थे फूल बाग को, कहीं हमने कुछ भी कहा, इनको बाथरूम में देके बुलवाया कि हमारे घर आओ। जे लोग आए, जे इनसे हमने समझाया, सब कुछ करा, जे लोग नहीं माने, और इनकी वीडियो भी हैं, बधाइयाँ बजाते हैं, गालियाँ बकते हैं और लुगाई बच्चे वाले हैं जो नकली किन्नर हैं, और जो हमारे चेले नातियों को मारने की धमकियाँ देते, जो हमारे गुरभाई, हमारी बड़ी गुरु भी लगती हैं, हमारी गुरभाई भी इनको, पर इनको गाली बकते हैं, बुजुर्ग हैं, हम भी हैं, हमारे भी, हमारा मुरार इलाका है, इनका पिंटू पार्क जड़ेरुआ इलाका है, इनका पूरा आधे ग्वालियर के मालिक है, जो नकली किन्नर परेशान करके रख देते हैं, जो अपने पैसा देते घर में। कल के दिन ये कुछ भी करते हैं। जे नकली किन्नर है, कुछ भी करके आते हैं, हम इनके जिम्मेदार नहीं है। जे कहते हैं हम ऐसे कर लेंगे वैसा कर लेंगे, हम लोगों को धमकियां देते हैं, हम फंसा देंगे, तुम्हारी बस्ती मांगेंगे, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, रिपोर्ट डाल देंगे, गुंडे लेके आते हैं। बुला के बोला,
कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों को बहुत परेशान करके रख दिया, हद कर दी इन लोगों ने। हमने बहुत समझाया, जे लोग नहीं माने। मैं बात कर रही हूँ मुरार से, नेहा किन्नर मुरार से, टोहली मुरार की मालिक हैं। उधर एरिया मेरा पड़ता है, जो हमारे चेले नाती हैं, जो सब हमारे चेले नाती हैं, लोगों को जो लोग परेशान करते हैं गुंडा लेके, इन लोगों ने बहुत हद कर दी। हम लोग परेशान क्यों नहीं करते हो? हम लोग कंप्लेंट खूब करते हैं, पकड़ जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं मार रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो नकली किन्नरों को बंद कराया जाए। मेरा नाम है भवी भाई किन्नर। क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला बताएं? ये घटना होती है साहब के ये क्या करते हैं लोग, कपड़े पहन पहन के और हर किसी की गली में बधाइयाँ बजाने चले जाते हैं और होटलों पे बदतमीजी करते हैं, रातों में दारू भी पी के। और मेरा, मैं आनंद नगर क्षेत्र की हूँ, भवी भाई किन्नर। तो इन्हें ईद वाले दिन, हम तो अपने त्यौहार मनाते हैं, हम सभी धर्म मनाते हैं, अपने घर रहते हैं नेम टेम से, इन्हें क्या करा, टेम देख लेते हैं, सोझे आनंद नगर में गए बधाई बजाने को। बदतमीजी बोले, खूब अच्छी तरह से उन लोगों से बधाइयाँ ले आए, हम इनके चक्करों में ढूंढते पड़ रही है, तो भाग जाते हैं होटलों में जाते हैं, जो दारू पीते हैं होटलों में जाते हैं, होटल वाले कहते हैं वो अभी चले गए। इनका जी हाल है। तो आज कहाँ से पकड़ा है आपने? आज तो पकड़ा है इनको सादा सिंपल, मांग मांग के, तो जी कपड़े पहन के मांगते हैं। आज तो हमने घेरा डाल के पकड़ा है उनको, एक दूसरे को बहाना बना के घेरा डाल के हमने पकड़ा है उनको। कोई कैसे ही पकड़ा, कोई कैसे ही पकड़ा, झूठ बोल बाल के नागली ने सभी भाइयों से, नागरवासियों, शहरवासियों से यही निवेदन है कि ये नकली किन्नर, जो नकली किन्नर हैं, इनसे सावधान रहना। और जिस की बस्ती में जिसका काट होए, उसी की शक्ल पहचानो, काट का नंबर लो, जब ये बधाई देना, इन लोगों को बधाई नहीं देना, जे तो सारे शहरों में ऐसे ही मांग रहे हैं। पकड़े जाने पर नकली किन्नरों ने वहां मौजूद असली किन्नरों से माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की हरकत करने से तौबा की। फिलहाल माफी मांगने के बाद नकली किन्नरों को छोड़ दिया गया है। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।